हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे, आज हम कंपेयर करेंगे HDFC बैंक वर्सेस ICICI बैंक। तो इनके जो Q4 के रिजल्ट्स आए थे, हम उनके बेसिस पे कंपेयर करेंगे एंड प्लस व्हाई इन्वेस्टर्स आर वेरी बुलिश ऑन ICICI बैंक, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम डिपॉजिट्स से शुरुआत करें, सो HDFC बैंक का अगर आप डिपॉजिट देखोगे तो ऑलमोस्ट 16.78% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7.81% से ग्रो हुआ है। एंड वही अगर आप ICICI बैंक का देखोगे, सो ईयर ऑन ईयर अगर डिपॉजिट्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 14.16% से ग्रो हुआ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 4.63% से ग्रो हुआ है। अगर हम एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पर अगर HDFC बैंक का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 20.85% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, एंड ICICI बैंक का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 17.08% से ग्रो हुआ है। तो हमने एडवांसेस देखे, हमने डिपॉजिट्स देखे, इन दोनों में अगर आप देखोगे HDFC बैंक इज़ लीडिंग। अब बात करते हैं GNPA की। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्चुअली यहाँ पर ICICI बैंक की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है व्हेन इट कम्स टू GNPA एंड व्हेन इट कम्स टू NNPA। सो यहाँ पर HDFC बैंक के ऑलरेडी GNPA NNPA ऑलरेडी लो थे, सो वहाँ पर अगर आप ICICI बैंक का देखोगे तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम NII के देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम देखें, तो यहाँ पर ICICI बैंक इज़ लीडिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि व्हाई इन्वेस्टर्स आर वेरी बुलिश ऑन ICICI बैंक। सो अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे ICICI बैंक की ग्रोथ है ऑलमोस्ट 3.14% एंड ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 21%। और वही HDFC बैंक का अगर आप देखोगे सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर ग्रोथ हुई है 2.33% एंड ईयर ऑन ईयर हुई है 10.23%। अब यहाँ अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी देखेंगे, सो ICICI बैंक का ईयर ऑन ईयर 59% से ऑलमोस्ट ग्रो हुआ है, एंड HDFC का 22.82% से ग्रो हुआ है। निम्स की अगर हम बात करेंगे तो अगेन HDFC बैंक के निम्स 4% पे है, एंड ICICI बैंक का निम्स अगर आप देखोगे तो इस बारी का हाईएस्ट क्वार्टरली निम्स सिंस FY18। अब हमने नंबर्स तो देख लिए, लेकिन इन नंबर्स के पीछे रीजंस क्या है, क्यों HDFC के अगर प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स देखोगे, अगर नॉर्मली देखो तो स्ट्रीट इन नंबर्स से खुश नहीं हुआ है, मार्केट इन नंबर्स से खुश नहीं हुआ है, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थे वर्सेस ICICI बैंक के जो रिजल्ट्स आए थे। हम कोर बैंकिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रीट या मार्केट वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। सो इनके पीछे के रीजंस क्या है, क्यों प्रॉफिटेबिलिटी ICICI की काफ़ी अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू HDFC, एंड यू नो लोन बुक में क्या शफल हुआ है, लोन मिक्स क्या है, हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि दीज आर द रीजंस जिसके वजह से हमें इन ये डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। प्लस आगे क्या होगा, आगे रिजल्ट्स और हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं, यहाँ जो ग्रोथ की हम बात करते हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स की, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं, हम दोनों बैंक्स की इसके बारे में बात करेंगे। अब पहले HDFC का देखते हैं। सो HDFC में अगर आप देखोगे अर्निंग्स जो थी मार्केट के हिसाब से आज से जितनी अच्छी नहीं है, जहाँ पर डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस में अच्छी ग्रोथ थी। नाउ NIM भी अगर आप देखोगे, सो NIM भी इतना जितना मार्केट को एक्सपेक्टेड था उतना नहीं है। नाउ दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ देयर वॉज शार्प ग्रोथ इन होलसेल एंड आपका कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग, तो इस वजह से जो एक्सपेक्टेड ईल्ड्स थे वो कम आए। लेकिन NII जो है यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिटेल हैज़ स्टार्टेड गेनिंग ट्रैक्शन, और यहाँ पर 4-6 क्वार्टर्स में हमें लोन मिक्स में रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब अभी अगर आप देखोगे सो रिटेल एंड नॉन रिटेल का जो मिक्स है दैट इज़ 39:61, रिटेल इज़ 39, नॉन रिटेल इज़ 61, अगर हम रेशो की बात करें। और वही अगर आप प्री पेंडेमिक देखो HDFC का, तो 50-50% का 50-50 रेशो था यहाँ पर रिटेल एंड नॉन रिटेल का। सो ऐसे केस में रिटेल यहाँ पर कम होने की वजह से, होलसेल एंड CRB ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ईल्स में काफ़ी प्रेशर दिखा। प्लस यहाँ पे प्रोविजंस भी कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा थे। अब यहाँ पे रिटेल लोन ग्रोथ स्लगिश इसलिए था क्योंकि
व्हीकल फाइनेंस एंड कार्ड पोर्टफोलियो जो इनका है वहाँ पर इम्पैक्ट हमको दिखा। सो यहाँ पर जैसे रिटेल का धीरे धीरे करके मिक्स बढ़ेगा, यहाँ पर नंबर्स आपको आगे जाके अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन इसको 4 to 6 क्वार्टर्स लगेंगे। NIM दैट इज NIMS नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सो मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग ये 4.4 to 4.5% जाएगा विथ इंक्रीज इन रिटेल लेंडिंग, जो हमने बात की कि धीरे धीरे रिटेल लेंडिंग इंक्रीज होगा रेपो रेट चेंजेस की वजह से। यहाँ पर NIMS जो है 4.4% के आसपास जाने चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा, रिकवरी में थोड़ा लैगिंग आपको दिख सकता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ICICI बैंक अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। पिछले क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है इनका एज़ कम्पेयर टू HDFC बैंक। HDFC बैंक ने कंसिस्टेंसी ज़रूर दिखाई है, बट ICICI बैंक के ग्रोथ नंबर्स व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट नंबर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर आप ICICI के नेट प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे, वन ऑफ द रीजंस यहाँ पर जो इतने अच्छे नंबर्स आए हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग। तो यहाँ पर जो बैंक की ICICI बैंक की प्रोविजनिंग काफ़ी कम हुई है, सो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 63% से कम हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑलमोस्ट 47% से कम हुई है। सो यहाँ पर प्रोविजनिंग, क्योंकि जो बैंक का ICICI बैंक के जो बैड लोन पाइल है, ठीक है, जो खराब लोन्स हैं वो कंसिस्टेंटली कम हो रहे हैं। सो प्रोविजनिंग का मतलब यही होता है कि आपके जो खराब लोन्स हैं उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, मतलब वो खराब लोन्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। सो ऐसे केस में क्योंकि ग्रॉस बैड लोन पाइल अगर आप देखोगे ICICI बैंक की तो वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली कम होते जा रही है, उसके वजह से ICICI बैंक के जो प्रोविजनिंग नंबर्स हैं वो भी काफ़ी कम हुए हैं, जिसके वजह से यहाँ पर बूस्ट मिला है आपके जो नेट प्रॉफिट नंबर्स हैं ICICI बैंक में। और एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि जो रिटेल लोन्स हैं यहाँ पर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर 19% की ग्रोथ हुई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% की ग्रोथ हुई है। नाउ मेनली ड्यू टू क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स एंड मॉर्गेज लोन पोर्टफोलियो। और वहीं आप कॉर्पोरेट लोन्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 9.7% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ है एंड 5.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ग्रोथ हुआ है, मेनली फॉर टू बेटर रेटेड कॉर्पोरेट एंड PSUs। और यहाँ पर कॉर्पोरेट लोन्स अगर आप देखोगे मेजरली वर्किंग कैपिटल लोन्स ही कंप्राइज करते हैं। कासा रेशियो अगर आप देखोगे तो वही HDFC का ऑलमोस्ट 48% पे है एंड ICICI बैंक का ऑलमोस्ट 47.2% पे है। सो यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट नंबर्स देखोगे तो HDFC काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर शो किए हैं। ICICI बैंक रिटेल की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहा है, प्लस HDFC भी आगे के 4 to 6 क्वार्टर्स में आपको रिटेल मिक्स उधर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो अभी टेक्निकली कम हुआ है। अब यहाँ पर अगर Why market is very bullish on ICICI bank, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स, नेट प्रॉफिट के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है, प्लस एसेट क्वालिटी में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं भूलनी है कि बैंकिंग में अगर आप देखोगे पैसा तो दे तो कोई भी लेता है, लेकिन पैसा वापस लेना इस चैलेंजिंग एंड HDFC बैंक ने कई सालों से, आप उनकी एसेट क्वालिटी देखो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में ही देखोगे तो HDFC की जो एसेट क्वालिटी है बहुत अच्छी है, तो पैसा वापस लेने के काम में HDFC बहुत अच्छा इसमें माहिर है। जैसे मैंने कहा कि मुझे दोनों बैंक्स अच्छे लगते हैं, HDFC बीइंग वेरी कंसिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू एसेट क्वालिटी, जो कि बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड ICICI बैंक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी हो रही है। मैनेजमेंट चेंज जो हुआ है वहाँ पर वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो रिफ्लेक्ट कर रही है नंबर्स पे, कि नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हमें देखने को मिल रहे हैं एंड आगे भी मुझे उम्मीद है कि नंबर्स अच्छे देखने को मिलेंगे। इसीलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग नंबर्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए मैनी इन्वेस्टर्स आर वेरी बुलिश ऑन ICICI बैंक। यहाँ पे जो मर्जर हो रहा है HDFC एंड HDFC बैंक में, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, NIMS जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो HDFC है दैट इज़ इनटू होम लोन्स पूरा, तो वहाँ पर अगेन जो ईल्ड होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, सो यहाँ पर NIMS पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि
HDFC में जो ग्रोथ है वो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर टाइम लगेगा टू यू नो ये सारे जो मर्जर का प्रोसेस एंड ये सब, इसको सेटल होने में इसको टाइम लग सकता है। एंड वैल्यूएशन की अगर आप बात करोगे तो वैल्यूएशन भी ICICI बैंक और HDFC बैंक में जो गैप हुआ करता था, अभी वो गैप नैरो होते जा रहा है। सो ICICI बैंक को काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस मिल रहे हैं एंड मार्केट को एक्सपेक्टेड है कि वैल्यूएशंस और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। सो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको HDFC बैंक पसंद है या ICICI बैंक पसंद है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं एंड आपको इन दोनों में क्या पसंद है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।